माई चैनल, मैं हूँ रौनक एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड 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 बेटा बेस्ट, और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से एक जो प्रोडक्ट है वो कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा है। इंडिया में ही नहीं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया भी ये चीज काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में पहले कभी कुछ वायरल नहीं होता, सब कुछ बाहर से आता है। पहले बाहर के लोग इनको बनाते हैं, फिर हम जैसे कुछ लोगों का जुनून जागता है कि चलो हम भी इसको ट्राई करेंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज भी हम वो ही करेंगे, लेकिन उसके पहले आप करोगे मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो किया करो, ये मेरी इंस्टा की आईडी है। और एक और मेन बात, अगर आप जानना चाहते हो कि गिव अवे का विनर कौन है, तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे जाके हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। अभी कुछ 233 मेंबर्स है, जब तक 1000 मेंबर नहीं हो जाते तब तक मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी कि विनर कौन है। तो पहले जल्दी से 1000 मेंबर्स कंप्लीट करो, करवाओ मतलब, और बन जाओ गिव अवे का विनर। ठीक है, और ये राइज लाइट पता नहीं कि बार बार बंद हो जाती है, इसको भी चेंज करवाना पड़ेगा लग रहा है। आज का जो हमारा वायरल प्रोडक्ट है ना, उससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मुझे आज इस बात का जवाब दो कि आप में से कितनों को लगता है कि फेस पर जो बाल होते हैं वो सिर्फ लड़कों को होते हैं। मुझे सिर्फ लड़कों को आती है, जॉ लाइन पे या फिर नेक पे जो हेयर होते हैं वो सिर्फ लड़कों को होते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। लड़के हो या लड़की हो, दोनों ही प्रजातियों को फेस पर, नेक पर बाल आते हैं। फर्क बस यह है कि जो लड़कों की ग्रोथ होती है ना, वो थोड़ी सी वॉल्यूमिनस होती है, हैवी होती है, और जबकि हम लड़कियों की जो ग्रोथ होती है ना, वो बहुत ही थिन बेबी हेयर से हमें यहाँ पे आते हैं, और वो भी बहुत कम विजिबल। आप इसको ऑर्नामेंटल हेयर बोल सकते हो। ठीक है, अभी भी मेरे फेस पे यहाँ पे बहुत सारे हेयर है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो, है ना। लेकिन गाइज, आज का जो हमारा वायरल प्रोडक्ट है, वो आपको ना मेरे क्या किसी के भी फेस पे से माइनर से माइनर हेयर दिखा देगा कि कहाँ पे कितना बाल। बिल्कुल पोल खोल प्रोडक्ट है ये। मैं जो हूँ ना, वो कभी भी अपने फेस पे ना रेजर नहीं यूज करती हूँ। आईब्रो के पास भले मैं यूज कर ली तो, ताकि जो आईब्रो है वो हल्की सी शेप में आ जाए बस, और उसके अलावा मैंने अपने फेस पे या नेक पे कभी भी रेजर यूज ही नहीं किया है। और आज के बाद मैं ये नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि आज मुझे ना चाहते हुए भी रेजर यूज करना पड़ेगा, मजा आएगा। लेकिन तो जिस चीज की हमने इतनी बातें की है, वो चीज है यहाँ पे। गाइस देखो, मैंने इसको अमेजोन से मंगवाया है, तो पहले जल्दी से हम करेंगे प्रोडक्ट को अनपैक। ओके गाइस, तो ये देखो, ये है हमारा आज का वायरल प्रोडक्ट जो आपको जादू करके दिखाएगा। मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेती हूँ, और इसका जो ब्रांड नेम है वो है कॉजेटिस। तो पहले मैं आपको इसको पूरा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि ये क्या है और ये क्या क्या काम करता है। ठीक है, कॉजेटिस हेयर आइडेंटिफायर स्प्रे फॉर फेस शेविंग विथ रेजर। तो इसमें आपको रेजर भी मिलता है, जो उस पैकेट में रखा हुआ है, मैं आपको भी दिखा दूंगी। स्किन बॉडी हेयर आइडेंटिफाइंग स्प्रे मेड फ्रॉम 100% नेचुरल स्टार्च, डर्मा प्लानिंग पैराबेन फ्री फेस हेयर रिमूवल फॉर वुमेन। अच्छा, तो सिर्फ वुमेन ही इसको यूज करेगी, मेन इसको नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मेन की जो ग्रोथ होती है वो कुछ ज्यादा हार्ड होती है। और अगर आप ज्यादा हार्ड ग्रोथ पे रेजर चलाओगे ना, तो आपको इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको ना बम्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाउ टू यूज आप चेक कर सकते हो कि आपको यूज करने के पहले इसको शेक करना पड़ेगा। वेल शेक द बॉटल टू मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद आप करोगे इसको स्प्रे। होल्ड द बॉटल 10-12 inches अवे, प्रेस द बटन 45 degree एंड स्प्रे इन शॉर्ट एंड पावरफुल बर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आप करोगे शेव। यूज योर डर्मा प्लानिंग टूल टू रिमूव द आइडेंटिफाइड हेयर एंड डेड स्किन रेसिड्यू। ठीक है, उसके बाद आप इसको करोगे क्लीन। वाइप और वॉश योर फेस विथ क्लीन वाटर, ये आपके टाइनी से टाइनी हेयर स्ट्रैंड को भी आइडेंटिफाई कर लेगा, जिससे आप आराम से अपना पूरा फेस क्लीनली शेव कर सकते हो। ओके, तो बहुत बार क्या होता है ना कि रेजर चलाते वक्त ना थोड़ा सा फ्रिक्शन हो जाता है, क्योंकि आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं होती है, और उसकी वजह से आपको पिंपल, एक्ने या ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट से अप्रूव्ड है, तो ऑल स्किन टाइप वाले या और हेयर टाइप वाले इसको यूज कर सकते। मैंने बहुत से लोगों को शेविंग करते हुए देखा है, और शेविंग के ना अनेक फायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो टाइनी टाइनी हेयर होते हैं ना, ये ब्लैक कलर के होते हैं, तो हमारी जो स्किन होती है ना, वो टैन ना होने के बावजूद भी टैन दिखती है। और अगर नहीं करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी बड़ा बाल हो, हमारा फेस है, आपको क्या। भले आप मेरी तरह इसकी चोटी बना लेना, लेकिन अगर नहीं रिमूव करना है तो नहीं करना है। तो अब बारी आती है इसको यूज करने की, और भी मेरे फेस पे ना मेकअप लगा हुआ है, तो मैं फेस का मेकअप हटा देती हूँ, आईज का रहने देती हूँ। ठीक है, या कौन सा मुझे रेजर चलाना है, आ रही हूँ मेकअप हटा के एंड चिन टपाक डम डम। गाइस, तो फिलहाल इन लट जीरो को कर लेते हैं पीछे, और मेरे पास है ये, क्या बोलते हैं इसको, फेशियल बैंड, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बाल खराब हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत से वायरल वीडियो में देखा है कि आपको चेक करो, लड़कियां ना अपने बाल तक खराब कर लेती है। और पता नहीं मुझे ना, मैं दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल क्यों लग रही हूँ, ऐसे ही कुछ बांधती है वो भी। ओके, तो अब मेरे बाल खराब नहीं होंगे। तो गाइज, इसमें ना हमें ये भी मिला है, मैं आपको दिखाना भूल गई थी ना, रेजर, ये देखो छोटू सा पिंक कलर का हमें रेजर मिला है। मेरे पास ना मेरा अच्छा वाला रेजर था, वो मिल नहीं रहा, पता नहीं ये कैसा काम करेगा। तो इसको यूज करने के पहले हम करेंगे बॉटल को अच्छे से शेक 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 शेक, अपनी देख।
मुझे डर लग रहा है कि मेरा कपड़ा खराब ना हो जाए। गाइस ये जो कॉर्ड सेट है और भी ऐसे बहुत सारे कॉर्ड सेट थे जो सेलिब्रिटी स्टाइल थे उनको मैंने मीशो से परचेस किया था, उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एंड यस खुल जाओ, खुलो यार। गाइस कैसी भूत जैसे दिख रही हूँ मैं, ये देखो आप। मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरे फेस पे इतने बाल होंगे। गाइस दाढ़ी वाली लड़की हूँ मैं, मेरी आईलैशेस देखो आप कैसी लग रही, एकदम बड़ी बड़ी सी। कितने सारे बाल है मेरे फेस पे आप चेक करो, मेरी नाक पे भी माइन्यूट से माइन्यूट बाल है और यहाँ पे भी बाल है, फोरहेड पे भी बाल है और यहाँ आंखों के नीचे तक बाल है। थोड़ा और अच्छे से देखे आपको तो मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये है वो रेजर जो आज हमारे बालों को साफ करेगा, एंड लेट्स डू इट। और ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। बहुत ही स्मूथली ये ग्लाइड हो रहा है और पूरे बालों को इसने निकाल दिया है। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी अपना फेस शेव करोगे ना तो मेक श्योर कि आपकी स्किन टाइट हो, या तो अपने फेस को ऐसा कर सकते हो या फिर आप अपने हाथों से ना अपनी स्किन को थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेच करोगे और उसके बाद शेव करोगे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आपको कट्स लगने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो नाक पे किसे बाल आते हैं यार जो मुझे आए। नोज पे ना बहुत ध्यान से आप रेजर चलाओगे क्योंकि ना नोज काफी आड़ी टेढ़ी है ना, तो हमें अलग अलग जगह पे रेजर चलाना पड़ रहा है, तो अच्छे से चलाना, ठीक है। नेक के जो हेयर थे वो कुछ अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे तो मैंने थोड़ा सा और स्प्रे लगा दिया इस पे, ठीक है। अभी फिलहाल आईब्रो के पास में और कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी आईब्रो गायब हो जाए। कपड़ा पूरा मेरा गंदा हो चुका है, व्हाइट व्हाइट व्हाइट। मुझे इसको रिमूव करके ना कोई भी टी शर्ट पहन लेनी चाहिए थी। मैं आपको ना फेस वॉश करके दिखा देती हूँ, ठीक है। मुझे सचमुच नहीं पता था कि शेविंग के इतने अच्छे रिजल्ट होते, हाथ मेरा रुक नहीं रहा है, कसम से बता रही हूँ मैं आपको, ऐसा गिर जा रहा है नीचे। शेविंग करने से पहले या शेविंग करने के बाद आपको एक चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है, स्किन को मॉइस्चराइज। तो मैं अपनी स्किन को रिहाइड्रेट करूंगी टू प्रिवेंट ड्राइनेस आफ्टर शेविंग। आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, मैं यूज कर रही हूँ ये ग्रो यंग का मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, 2-in-1 है ये, ठीक है। ओके, तो ये है इसका रिजल्ट। बिना मेकअप के भी स्किन काफी ग्लोई ग्लोई सी लग रही है, हेल्दी लग रही है। तो मेरे तरफ से तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा काम का निकला, बहुत यूजफुल निकला और इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप इसको परचेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। और मैंने आपको बता दिया अगर आप गिव अवे के विनर बनना चाहते हो तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल के मेंबर बनो, 1000 मेंबर कंप्लीट करवाओ और बन जाओ विनर। सो गाइस बस यही था मेरा आज का वीडियो ऑन दिस हेयर आइडेंटिफायर स्प्रे। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइस, चिंटपाक डम डम।